हाय फ्रेंड, आज हम एक और प्रॉब्लम के साथ आए हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, देखते हैं क्या है, चलते हैं। ए बी एंड सी वेयर द पार्टनर इन ए फर्म हैविंग द कैपिटल ऑफ ₹60,000 and ₹80,000। यानी ए की कैपिटल कितने की है, 60,000 की है, बी की है 60,000 एंड सी की कितनी है, 80,000। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वेयर रुपीज ए का कितना है 10,000, बी ₹5,000 एंड सी ₹2,000 डेबिट बैलेंस। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वे एंटाइटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटेड टू ए सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। द प्रॉफिट वेयर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। फर्स्ट ए द फर्स्ट ₹20,000 इन प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल्स, नेक्स्ट 30,000 इन देयर 5:3:2 रेशियो एंड सी रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली। द फर्म मेड प्रॉफिट ऑफ बेस 1,56,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एवर आइटम। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास से जनरल एंट्री। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल दिया हुआ है, ए की कैपिटल दिया हुआ है 60,000, बी की कैपिटल 60,000 एंड सी की कैपिटल दिया हुआ है 80,000। उनके करंट अकाउंट बैलेंस भी दिए हुए हैं, ए का दिया हुआ है कितना 10,000, बी का दिया है 5,000 एंड सी का जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2,000। इन्होंने बताया कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इनको जो पार्टनर्स को जो मिलेंगे एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट मिलेगा, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। अब 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है और फिर क्या कह रहा है कि सी एक वर्किंग पार्टनर है जिसको सैलरी मिल रही है पर एनम कितने रुपए से 6,000। ये तो क्वेश्चन में था। फिर उन्होंने कहा कि तो प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो फर्स्ट 20,000 को उनको किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 को किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में एंड रिमेनिंग जो प्रॉफिट आएगी उसको किस रेशियो में करना होगा इक्वली। और उन्होंने पूरे फर्म की जो प्रॉफिट बताई वो कितना बताया, 1,56,000। और इन्होंने कह रहे हैं कैप मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पर्सन नेसेसरी जनरल एंट्री। तो अब देखिए हम लोगों ने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, क्वेश्चन को करते कैसे हैं। अब देखिए बनाया क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पे ईयर का एंडेड नहीं दिया हुआ है कि कौन सा ईयर है, 2009, 10, 11, 12 कुछ नहीं दिया हुआ है, तभी कंडीशन में यहाँ पर डैश करके छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने दे रहा है 1,56,000। यानी बिफोर द यहाँ पे जो दिया था, फर्म मेड द प्रॉफिट ऑफ ₹1,56,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव। यानी एनी ऑफ द एबव का क्या मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट के पहले की जो प्रॉफिट है वो कितने की थी, 1,56,000। अब यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, चार्ज किया जा रहा है कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से चार्ज हो रही है। तो अब देखिए ए की कैपिटल कितने की थी, ए की कैपिटल है 60,000, तो 60,000 का 5% निकाला तो कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, तो ए को कितना मिल रहा है 3,000, ये किसके में जाएगा, एज करेंट अकाउंट में, एस करेंट अकाउंट में कितना गया 3,000। सेम बी का भी कितना है, सेम वही अमाउंट 60,000, तो बीस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट कितने से 3,000 एंड सी की कैपिटल कितना बता रहा है 80,000, तो उसके लिए क्या जाएगा, तो सी करेंट अकाउंट 4,000। कैसे 80,000 का 5% 4,000, यानी टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई टोटल कितना हो गया 10,000। ठीक, अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि सी एज ए वर्किंग पार्टनर था उसको क्या दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है और कितना 6,000 पर एनम है, पर मंथ नहीं है पर एनम है, तभी कंडीशन में टू सैलरी किसको दिया जा रहा है, सी को, ये भी कहा जाएगी सी के करंट अकाउंट में, सी के करंट अकाउंट में जा रही है, कितने से सैलरी जा रही है यहाँ पे 6,000। अब टोटल कितना हो गया 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 6,000 क्या हो गई सी सैलरी। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है, तो यहां पर देखते हैं यहां पर टोटल प्रॉफिट, यहां पर एज ए वर्किंग नोट की तरफ लिख कर रहे हैं, आप लोग मत कीजिए फिर क्वेश्चन में, ठीक है, और जो भी वर्किंग नोट होगा वो क्वेश्चन के नीचे होगी। तो यहां पे यहां देखिएगा यहां पर टोटल प्रॉफिट कितने का दिया, 1,56,000 दिया हुआ है, जिसमें से 16,000 कौन कौन सी चीज है, यहां पे 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 6,000 कितना क्या सैलरी है सी की, टोटल माइनस करने के बाद आफ्टर ये सब के बाद कितने की पड़ रही है 1,40,000, 1,40,000 है। अब इस 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, पार्टनर में, तो पार्टनर कौन कौन है, ए है,
बी है एंड सी है। इन्होंने फर्स्ट 20,000 को, जो 20,000 को जो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 20,000 किस रेशियो में, इनके कैपिटल रेशियो में, कैपिटल क्या थी 60,000, 60,000 एंड 40,000। अगर इसको छोटे में किया जाए तो क्या रेशियो आएगा, 3:3:4। यानी इस रेशियो में 20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया तो 20,000 को 3:3:4 में करते हैं तो कितना आएगा, 6,000, 6,000 एंड 8,000। फिर उन्होंने क्या कहा कि बी कंडीशन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी 30,000 को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस रेशियो में करना है, 5:3:2 में। तो अब 5:3:2 में यहां कितना आ गया, 15,000, 9,000 एंड 6,000। ठीक है, यानी 5/10, 15,000, 3/10, 9,000 एंड 2/10 कितना आ गया, 6,000। फिर कह रहे जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में करना है, इक्वल रेशियो में। अब देखिए टोटल जो प्रॉफिट आई थी वो कितनी थी, 1,40,000 था, जिसमें से 20,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 3:3:4 के रेशियो में, 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 5:3:2 में। यानी हम लोगों ने जो प्रॉफिट जो यूज कर चुके हैं कितना किए हैं, 20,000 प्लस 30,000, यानी 50,000 की जब हम लोग प्रॉफिट यूज करते तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना, 1,40,000 माइनस 50,000 करेंगे तो बचा कितना, 90,000। अब इसको किस रेशियो में करना है, 1:1:1 के रेशियो में, यानी ईच पार्टनर कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000 एंड 30,000। अब देखिए कि ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है एंड सी को, ए का टोटल किया तो इसका कितना आ गया 51,000, बी का किया तो 45,000 एंड सी का किया तो 44,000। ये जो प्रॉफिट आई ये पार्टनर्स को मिल रहा है, ये किस रेशियो में आ रही है, यहां पे आया 20,000 को 3:4 में किया था, 30,000 को जो क्वेश्चन में दिया 5:3:2 में, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आई थी, 1,40,000 में से 50,000 को जो उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बची है वो कितना बचा था, 90,000, उसको इस इक्वल रेशियो में किया 30,000, 30,000 एंड 30,000। तो अब यही प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो यहां पर क्या जाएगी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट किसका, एक करंट अकाउंट में कितना आ गया, एक करंट अकाउंट में 51,000 जो उन्होंने निकाला, बी के करंट अकाउंट में कितना आ गया 45,000 एंड सी के करंट अकाउंट में कितना आ गया 44,000। ये तो था यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में कि यहाँ पे जर्नल एंट्री करने को कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री करना होगा तो क्या होगा, यहीं पे कर देता हूं कैसे आएगी जर्नल एंट्री। छोटा में बता रहा हूं, अब देखिए अगर जर्नल एंट्री करना होगा तो अब कौन से अकाउंट है, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहां पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, यहां पे डेबिट अकाउंट डेबिट हो गई। टू किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो टू किसके किसमें, टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट और टू सीस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। आप देखिए कौन सी प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पे 1,40,000, 1,40,000, ए में कितना गया था 51,000, बी में कितना गया था 45,000 एंड सी में कितना गया था 44,000। यह था पार्टनर्स का जो जर्नल एंट्री हुई, तो किस हिसाब से हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जर्नल एंट्री होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। नेशन क्या हो जाएगा यहां पे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
करंट अकाउंट, ये जो एंट्री करनी होगी वो किसके बाद करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट जो बनाया है उसके बाद हम लोग को क्या करनी होगी, इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। ओके, फिर से क्वेश्चन में क्या था कि तीन पार्टनर थे, एबीसी और पार्टनर थे, उन्होंने कैपिटल दिया हुआ था, करंट अकाउंट दिया हुआ है, अब उसके बेसिस पे उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, सैलरी जो किसको मिले थे सी को, और उसका एक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।